Myself Navneet. I will teach chemistry of 11th class. This chapter name तत्वों का वर्गीकरण आधुनिक आवर्त सारणी. तत्वों का वर्गीकरण आधुनिक आवर्त सारणी. अब मैं आधुनिक आवर्त सारणी को आपको बनाने का तरीका बताता हूँ कैसे बनती है. बहुत ही आसान वे है इसको बनाने के लिए, तो ध्यान से देखते रहिएगा. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट ग्रुप मतलब पहला आवर्त, पहले आवर्त में वन, ये आप देख रहे हो वन, और ये आएगा इसमें टू, और ये हो गया इसमें थ्री, फोर, फाइव, सिक्स और सेवन. तो समझने की कोशिश करना, मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जो किए हैं, मतलब ये है आवर्त. क्या है ये आवर्त. अब आवर्त के साइड में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे इसके लिए आ गया दो, इसके लिए दो प्लस आठ, ये जो दिखाया गया इसमें तो प्लस आठ दिखा दिया ना इसमें, तो ये लिया गया है. तो स्टार्टिंग में दिखाया गया है यहाँ पर वन, मतलब जो पहला आवर्त होता है टू एन स्क्वायर के अकॉर्डिंग, टू एन स्क्वायर के अकॉर्डिंग. जैसे टू ब्रैकेट वन की पावर टू करेंगे तो कितना आएगा टू, और इसी तरह से टू ब्रैकेट टू की पावर टू तो कितना आएगा एट. आ रहा समझ में. और इसी तरह से यदि हम टू ब्रैकेट थ्री की पावर टू तो कितना आएगा एटीन, कितना आएगा एटीन, ठीक है. तो इस तरह से 18 आ गया. तो अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये 18 पहले तो आएगा 2, फिर आएगा 8, फिर आएगा 18, उसके बाद में आएगा 32. और बताता हूँ, पहले आएगा इसमें 2, जैसे 2 एन स्क्वायर के अकॉर्डिंग n की वैल्यू 1 रखेंगे, जैसे 2 एन स्क्वायर के अकॉर्डिंग n की वैल्यू क्या करोगे 1, 2, 3 और 5. हालांकि 4 तक ही रखना क्योंकि हमें इसमें ज़रूरत है 4 तक. तो n की वैल्यू 1, 2, 3, ठीक है. अब लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास. अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना 2, 8, 8, 18, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास. क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास. तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ 2, 8, 18 जो दिखाया है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है. जैसे 2, 8 फिर कोमा 8, हालांकि ये दोनों एक साथ ही चलते हैं, फिर इसके बाद में 18 आ जाता है. आपको अभी बताया था 18 आ जाता है वो, ठीक है. तो 2, 8, 18. अब मैं इसमें ये और बताऊंगा आपको पीरियोडिक टेबल अब कैसे बनेगी. ये मैंने छोटा सा बताया है, देखो मैंने पहले ही इसको जूम करके आपको आसान करा दिया. इसमें दिखाया ना 2 प्लस 8, तो देखो पहले में देखो इसमें कितना आया 2, क्योंकि इसमें 2 ही आएगा, जैसे हमने बोला था ना 2 अकेले रहेगा. फिर आ रहा 2 प्लस 8, मतलब 2, 8. फिर तीसरे में कितना आया है इसमें 2, 8, 8. फिर तीसरे में कितना आया इसमें, इसमें आया 2, 8, 8, 18. तो इसी तरह चलता रहेगा. अब तो मैंने इसमें लिख दिया है, मैं आपको इसे रिप्रेजेंट कराना चाहता हूँ, ठीक है, जो आपके लिए आसान हो जाए. तो यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगाया, प्लस के साइन साइन मान लो या फिर कोमा लगा लो, ठीक है. तो इसे ध्यान से देखना, तो देखते रहो. इसमें मैंने सबसे पहले दिखाया गया ये आएगा फर्स्ट, क्या आएगा किसके लिए फर्स्ट, मतलब पहले वाले में 2. अब ये बात करी जा रही है, जैसे इसको दिखा दिया ना यहाँ 2, ठीक है. अब यहाँ दूसरे में देखो 2 प्लस 8 दिखाया हुआ ना इसमें 2 प्लस 8, ये आएगा सेकेंड वाले में. अब इसमें दिखाया यहाँ 2 प्लस 8 प्लस 8, यह आएगा थर्ड में. तो समझने की कोशिश करना, 2 प्लस 8 प्लस 18 इसमें, तो यह आएगा फोर्थ में, चौथे आवर्त में, ठीक है. 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 18, ये जिस पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18 दिखाया ना, 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18 कितना हो गया 54. तो ये किस में आएगा फिफ्थ में. और अब सिक्स की बात करते हैं, 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 32
दिखाया ना, ये जो नीचे दिखा रहा हूँ बस, जिस पर सर्कल कर रहा हूँ ध्यान से देखो, जिस पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, 2 + 8 + 8 + 18 + 18 + 32 तो कितना हो गया 86। अब यहाँ इसके बाद में 7, ये तो छठे वाले के हैं, किसके लिए हो गए 6 के लिए। अब मैं सेवन्थ वाले के लिए बताऊँगा, तो सेवन्थ में जो दिखाना चाह रहा है, ठीक है, सेवन्थ वाले में देखो 2 + 8 + 8 + 18 + 18 + 32 + 32, देखो 32 एक बार इसमें भी आ चुका है, इसमें दो बार 32 आएगा, और इसमें 18 देखो दो दो बार आया ना ये, और 18 भी इसमें दो बार आ चुका है। तो कहना मतलब यहाँ पर सिर्फ दो को छोड़ करके 8 का, 18 का और 32 का, इनका क्या बनता है, जोड़ा बनता है, दो को छोड़ करके 8, 18, 32, इनका क्या बनता है, जोड़ा बनता है। तो देखो मैंने ये सब कुछ बबल्स किए हैं, सर्कल्स किए हैं, एकदम समझ नहीं आएंगे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दोबारा बोल रहा हूँ, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। जैसे पहले वाले में कितना आएगा, दो दिखा दिया ना इसमें ये, तो दूसरे वाले में कितना आएगा, 2, 8, जहाँ पर प्लस का साइन आया है वहाँ तुम कोमा भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर जोड़ना है, ठीक है, 2 + 8। अब तीसरे बारे में कितना आएगा, 2, 2, मतलब 2, 8, 8, तो कितना जाएगा 18, 2, 8, 8, 18, मतलब यहाँ प्लस भी बोल सकते हो, 2 + 8 + 8 + 18 तो कितना जाएगा 36। तो ये तो हमने पहले वाले के लिए बताया, फर्स्ट के लिए, और ये सेकंड के लिए, और ये हो गया थर्ड, ठीक है। तो बिल्कुल अब मैं तुम्हारे यहाँ पर अब देखो इसमें क्या दिखाया, इसमें 2, ठीक है, फर्स्ट का हो गया 2 + 8, सेकंड का हो गया 2 + 8 + 8, ठीक है, थर्ड के लिए हो गया 2 + 8 + 8 + 18, फोर्थ के लिए हो गया 2 + 8 + 8 + 18 + 18, ये नेक्स्ट के लिए हो गया 2 + 8 + 8 + 18 + 18 + 32, ये उसके बाद में सेम नेक्स्ट का हो गया 2 + 8 + 8 + 18 + 32 + 32, आ गया ना। तो इसमें कितना दिखा दिया 118। अब यहाँ पर 118 आ गया, अब तुम्हें ये आसानी से याद भी रहेगा, लेकिन एक बार तुम्हें लिखना पड़ेगा, लिखकर देखना पड़ेगा, जो तुम्हें और भी आसानी से याद हो जाए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक प्लेन पेज लेना है, प्लेन पेज लेने के बाद में जैसे यहाँ पर लिखा ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 18 तक लेना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 तक लोगे, इसको बोलते हैं समूह, क्या बोलते हैं इसको, समूह। अब नीचे की तरफ होगा ये आवर्त, क्या बोलेंगे इसको, आवर्त, ठीक है। तो यहाँ समूह और आवर्त लिए गए हैं, और 7 आवर्त लेने हैं ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ रहा ना यहाँ, तो ये क्या हो गया आवर्त, आवर्त नीचे की तरफ, समूह बराबर में, तो कहना मतलब ये समूह बराबर में इस तरह लिया जाएगा, ये समूह है, इधर को मैं डार्क कर रहा हूँ, ये क्या है समूह है, और ये नीचे की तरफ क्या है आवर्त, क्या है ये नीचे की तरफ आवर्त, 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह। तो 1 से लेकर 18 तक आप क्या बनाओगे, समूह बना लोगे, और 1 से लेकर 7 तक क्या बना लोगे, आवर्त बनाओगे। अब 1 से लेकर 7 तक आवर्त भी बन जाएगा, समूह बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, अब तुम्हें एटॉमिक नंबर 1 by 1 रखने हैं। अब एटॉमिक नंबर तुम 1 by 1 कैसे रखोगे, सबसे पहले लेंगे हम 18 ग्रुप, कौन से लेंगे 18 ग्रुप, मतलब जो सबसे लास्ट का है 18 ग्रुप लेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पहले ही मैंने 2 फिल किया हुआ कि आप आसान समझ जाए, और फिर मैंने क्या बताया 2 + 8 तो कितना हो गया 10, तो इसमें लिख देंगे 10, 2 + 8 + 8 कितना जाएगा 18। मैंने बताया था ना, ये पहले वाले के लिए है, ये दूसरे वाले के लिए है, ये तीसरे वाले के लिए है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो इसमें 2 + 8 कितना जाएगा 10, 2 + 8 + 8 कितना जाएगा 18, 2 + 8 + 8 + 18 कितना जाएगा 36, 2 + 8 + 8 + 18 + 18 कितना जाएगा 54, और 2 + 8 + 8 कितना जाएगा 2 + 8 + 8 + 18 + 18 + 32 तो कितना जाएगा ये
छियासी, 2 + 8 + 8 + 18 + 18 + 32 + 32 तो कितना हो जाएगा 118। ठीक है, आप ऐड करके या एक साथ में देख सकते हो, ठीक है, बारी बारी से एक एक करके जोड़ सकते हो। अब मैंने यहाँ पर ये इतना वर्क कर दिया है, अब मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ। अब जो टेन है, मतलब टेन है, टेन के मतलब पहले सबसे पहले हम दो के लिए लेंगे, दो के लिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पहले से ही ये सबसे पहले वाले समूह में पहुँचेंगे। ठीक है, ये पहले वाले समूह में पहुँच गए और यहाँ पर लिख दिया वन, क्या कर दिया ये मैंने वन। अब वन के बाद में फिर क्या करेंगे, यहाँ वन के बाद में अब ये देखते हैं, तो यहाँ पर जो दस लिया गया है कितना है, दस, दस से पहले जो सत्रहवा ग्रुप आएगा यहाँ कितना लिख देंगे नौ, और जो सत्रह के सत्रह से पहले सोलह, मतलब उल्टी गिनती लिखनी है, दस नौ आठ सात छ पाँच, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब आगे यहाँ पर अट्ठारह आया हुआ, कितना है अट्ठारह, अट्ठारह से पहले क्या लिखते हैं हम सत्रह, तो इसमें कितने लिखेंगे सत्रह लिख देंगे, जैसे है ना अट्ठारह, यहाँ मैंने अभी अट्ठारह बताया था, ये अट्ठारह बनाया था, ध्यान है नहीं अट्ठारह। अब यहाँ क्या करना है, ये दस का दस पूरा बनाना, यहाँ अट्ठारह, अट्ठारह उसमें एक कम कर दो कितना आएगा सत्रह, सत्रह से पहले सोलह, सोलह से पहले पंद्रह, पंद्रह से पहले चौदह, चौदह से पहले तेरह, ठीक है, तेरह पे रोक देना है हमें, यह क्या करना तेरह पे रोक देना है, क्योंकि हम तेरह पे रोकेंगे तो तेरह वाले ग्रुप के नीचे ही आ जाएगा, जो तेरह आया ना ये इस तेरह के नीचे ही आ जाएगा तेरह, ठीक है, तो इसलिए लेना है, मतलब तो उल्टी गिनती लेनी है। अभी मैं इधर की उल्टी गिनती बता रहा हूँ, अब यहाँ पर जैसे अट्ठारह, अट्ठारह के बाद में कितना आता है, ध्यान करो, 2 + 8 + 8 + 18, अब यहाँ जाएगा छत्तीस, कितना जाएगा छत्तीस, तो छत्तीस है, छत्तीस से पहले क्या आता है पैंतीस, पैंतीस से पहले, पैंतीस से पहले चौंतीस, चौंतीस से पहले तैंतीस, तैंतीस से पहले इकतीस, इकतीस से पहले तीस, आप ये तो करोगे तो तीस करने के बाद में आपको ये इस तरह का ऐड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर तुम ये इसको इस तरह भर पाओगे। अब आगे सुन, मैं जैसे दस था यहाँ, दस के बाद में नौ, नौ के बाद में आठ, आठ के बाद में सात, सात के बाद में छः, छः के बाद में पाँच, अट्ठारह था, अट्ठारह से पहले सत्रह, सत्रह से पहले पंद्रह, सोलह, सोलह से पहले पंद्रह, पंद्रह से पहले चौदह, चौदह से पहले तेरह, और यहाँ छत्तीस था, छत्तीस से पहले पैंतीस, पैंतीस से पहले तैंतीस, मतलब पैंतीस, फिर फोर्टी, थर्टी फोर, थर्टी फोर से पहले थर्टी थ्री, थर्टी थ्री से थर्टी वन, और थर्टी, थर्टी तो दूसरी ग्रुप में आ जाएगा, लेकिन हमें थर्टी वन तक ही लेना, ठीक है, फिर इसी तरह फिफ्टी फोर आ रहा है, फिफ्टी फोर से पहले, मतलब इसी तरह से करके कितने लेने, छः ग्रुप के लिए लेने, कितने ग्रुप के लिए लेने छः, तो यहाँ पर इधर से इधर की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो छः आ गया। अब इसी तरह से बिल्कुल इसके इधर लेते हैं, जब मैंने पहले ही बताया था आवर्त में, तो हमने उधर कितना छोड़ा, अब ध्यान करो, हमने यहाँ पर वन लिया है, वन के बाद में उधर टू आया था सबसे लास्ट वाले में अट्ठारह में, ठीक है, मतलब जो लास्ट का अट्ठारह जो है जो मैं इधर बता रहा था, उधर टू आ गया, टू के बाद में यहाँ कितना आएगा थ्री, थ्री के बाद में फोर, ठीक है, फिर फोर के बाद में फाइव, ध्यान करो फाइव आया नहीं आया, ये आ गया, फाइव के बाद में सिक्स सेवन एट, ठीक है, नाइन और टेन, टेन के बाद में कितना कितना था इलेवन, तो इलेवन कहाँ करेंगे हम इलेवन करेंगे यहाँ पर, ट्वेल्व यहाँ करेंगे, ठीक है, ट्वेल्व के बाद में फिर थर्टीन इसमें आ गया, फोर्टीन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन आ गया ना, आ गया ये थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एटीन, अब एटीन के बाद में कितना था नाइनटीन, नाइनटीन कहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा नाइनटीन, नाइन्टी ये ट्वेंटी, अब ट्वेंटी यहाँ आ गया, अब यहाँ ध्यान से देखो जब ट्वेंटी आया है, और यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ पर थर्टी वन आता है, मतलब जैसे थर्टी वन थर्टी दिखाया गया है ना थर्टी है, तो ये ट्वेंटी वन फिर ट्वेंटी टू
तो 10 तक काउंटिंग करेंगे तो 21, 22 की सर्ज रिक्वेस्ट करने से, यहाँ मैंने बताया था कितना बताया था यहाँ, तो यहाँ पर आया है जैसे 18, 19, इसमें 19, इसमें 20, ठीक है, 20 के बाद में 21, 22, तो ये 21, 22 जैसे 19, 20, 21, 22 ऐसे करते करते 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, मतलब 30वां इसी के अंदर आएगा, तो 10वां है, ठीक है। तो आप इस तरह फिल कर सकते हो, फिल करने के बाद में आपको कंफर्म हो जाएगा। मैं एक डेमो भी लिख के दिखा दूँगा जो नंबर का होगा, ठीक है। तो पहले आप इसे करें, फिर इसके बाद में देखें, फिर उधर ध्यान करो, जब यहाँ 19 आया है, 19 के बाद वहाँ कितना आया 36, तो यहाँ कितना आएगा 37, और यहाँ 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 चलता रहेगा, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 आएगा सबसे लास्ट में, 54 के बाद में यहाँ कितना आएगा 55, 55, 56, 57, 58, ये इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो अब आपको आसान लगा है तो आप बनाने की कोशिश करना, जो भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर कंफर्म कर लेना, मैं आपको व्हाट्सएप पर ज़रूर बता दूँ, व्हाट्सएप पर नहीं बताऊँगा तो आप मुझे बोल देना, मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा दूँगा, ठीक है, चाहे मुझे ये डायरेक्टली बोर्ड पर समझाना पड़े, मतलब होम बोर्ड पर, ठीक है।